हेलो बच्चों, आज हम आपका पीएटी का एमपीपीएटी का जो मैथ्स पार्ट है उसमें से आपका पहला चैप्टर इसमें स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का पहला चैप्टर है आपका एपी सीरीज समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, समांतर श्रेणी यानी अपने पदों के बीच में एक कैसा अंतर रखती है, समान अंतर रखती है। अगर हम इसका संधिविच्छेद करें तो समान प्लस अंतर होता है, समान प्लस अंतर यानी अपने पदों के बीच में एक समान अंतर रखने वाली सीरीज को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। सेम डिफरेंस होगा इसके टर्म के बिटवीन में, और जो समान अंतर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, सर्वांतर के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में क्या है, सार्व अंतर भी कहते हैं, सर्वांतर भी कहते हैं तथा सामान्य अंतर भी बोला जाता है। तथा सीरीज का जो पहला पद होता है उसे ए से दर्शाया जाता है, स्मॉल ए से इसको डिनोटेट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस को, सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं। जैसा कि आपको दो इसमें सीरीज दी है, पहली ये पहली दी है कि 1 4 7 10 डैश, ये सीरीज को हम पहचानेंगे तो इन दोनों पदों के बीच में देखेंगे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 का है, इसमें 3 को प्लस किया गया है, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी कितने को प्लस किया गया है, 3 को। नेक्स्ट है यहाँ पर भी 3, यानी इन पदों के बीच में एक कैसा डिफरेंस चल रहा है, एक समान अंतर चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर श्रेणी कहते हैं, जो कि किसमें, इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, एपी सीरीज कहेंगे। एपी सीरीज के लिए नेक्स्ट दिया है, ये वाले जो मान होते हैं वो माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे आप 64 से कितना आ गया, नेक्स्ट पद मिला है यहाँ पे 59, तो यहाँ पर इन दोनों में -5 का अंतर है और यहाँ से -5, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती है और घटते हुए क्रम में भी हो सकती है। इसलिए डी का जो मान होगा यहाँ पर, कॉमन जो डिफरेंस आता है वो कैसे निकालेंगे, हम दूसरे पद में से पहला वाला पद माइनस कर लेते हैं, 4 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यदि यहाँ पर देखें 7 -4 लिखे तब भी क्या आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो हर कंडीशन में डी का मान कैसा आता है, इसमें सेम आएगा, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। और सीरीज का पहला पद क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो सीरीज का जो पहला पद होता है वो ए से दर्शाया जाता है, ए का मान इसमें इस वाली सीरीज के लिए कितना होगा, 1 होगा, 1 क्या होगा इसका, सीरीज का पहला पद होगा। सेकंड सीरीज दी है हमें आप यहाँ पर, तो ये दी है 64 59 और 54 दी है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर दो, 50 -59 -64 यानी 59 में से 54 को माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो आगे वाले पद में से हमेशा उसके जस्ट पीछे वाला पद माइनस किया जाता है, या फिर आप तीसरा पद ले रहे हैं तो उसके जस्ट पहले वाला दूसरा पद इसमें से माइनस करेंगे तभी हमें क्या है, डी का मान यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं। इसके अलावा ए का मान इस वाली सीरीज में कितना होगा, तो पहला पद कितना दिया गया है, 64 दिया गया है, तो ए का मान कितना होगा, यहाँ पे 64 होगा। समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनके टर्म के बिटवीन में कैसा डिफरेंस होता है, सेम डिफरेंस होता है, तो पद को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, और जो समान अंतर होता है उसे सेम डिफरेंस बोलते हैं। इसे इस सीरीज में किस नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। सीरीज की अगर आप देखे जाए तो इसमें एक फर्स्ट टर्म मेन है और इसके बाद में डी की वैल्यू जो है निकालना इसमें मेन है, डी और अगर एक ए का मान सही आते हैं तो आपके लगभग सभी क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, अगर हम सर्वांतर का एक फॉर्मूला देखें तो दूसरे पद में से यदि पहले पद को घटा दें, दूसरे पद में से यदि पहले पद को घटा दिया जाता है तो हमें कौन सा मान प्राप्त होता है, सर्वांतर प्राप्त होता है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब कंपलसरी नहीं है कि दूसरे में से पहला ही घटाओ, आप चौथे में से घटा रहे हो तो तीसरा पद घटाना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करना पड़ता है। एपी के सामान्य पद, अब आती है बात, एपी के सामान्य पद होते क्या है, जनरल टर्म्स ऑफ एपी। एपी के सामान्य पद लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है एपी के टर्म की, वो पहले पद से होती है। तो एपी का पहला पद क्या होता है, ए होता है, किसे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। अब नेक्स्ट आगे वाला पद जो हमें कैसे प्राप्त होगा,
तो t के मान को क्या कर देते हैं, इसमें प्लस करते हुए चले जाते हैं, तो नेक्स्ट हमारा पद क्या है मिल जाता है, तो a प्लस डी। अगला पद क्या मिलेगा, a प्लस डी। नेक्स्ट मिलेगा a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फोर डी डैश। इस तरीके से हमें क्या है ये पद मिलते हुए चले जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे ये पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टर्म, ऐसे ये फिफ्थ टर्म। तो एक चीज यहाँ पे कॉमन दिख रही है आपको कि अगर हम कोई भी पद निकाल रहे हैं, जैसे पांचवा पद निकाल रहे हैं, तो इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, ए प्लस फोर डी आ रहा है, यानी यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, फोर आ रहा है। सर्वांतर का गुणनफल कितना आ रहा है, चार। पांच लिखते हैं तब चार आता है, चार लिखते हैं तब तीन, तीन लिखेंगे तब दो आएगा, और दो लिखेंगे तब एक आता है। तो इसमें क्या है, हमें एनवा पद चाहिए, एंथ टर्म चाहिए, क्योंकि इसका मेन फॉर्मूला बनेगा कोई भी पद जब हम निकालेंगे तो एन के मान के द्वारा ही निकाले जाती है। तो एनवा पद क्या होगा हमारा, तो एनवे पद में से भी हम कितना माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो ए प्लस एन में से भी एक माइनस कर दो, एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से एन में से एक माइनस तो होता नहीं, इसलिए एन माइनस वन लिखा जाता है, यहाँ पे नंबर था तो नंबर में से माइनस हो गया, इसलिए क्या है यहाँ पर नहीं लिखा गया। तो ये क्या है, ए पी का कोई भी एनवा पद जब हमें ज्ञात करना होता है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ये वाला फॉर्मूला। अगर यहाँ पर लिखा जाए देखो, तब ए पी श्रेणी का कोई भी एनवा पद निकालना हो हमें, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ ए पी, तब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले का क्या है यूज किया जाता है, तो कोई भी पद निकालना हो हमें, यहाँ पर लिखा होता है एन वा, हिंदी मीडियम वाले एन वा लिखा होगा, और इंग्लिश में लिखा होता है nth टर्म। कोई भी नंबर की टर्म जो भी निकालनी होगी आपको फाइंड करने के लिए उसमें दिया रहता है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम क्या है यहाँ पर कोई भी टर्म निकालते हैं, ये ए और डी की वैल्यू चाहिए। देखो आप जनरल टर्म्स में देखेंगे तो आपको ए और डी दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की टर्म में क्या आ रहा है, ए का मान चाहिए आपको और डी का मान चाहिए। तो कोई भी पद निकालना हो तो अब हमें ए और डी का मान होना जरूरी है। नेक्स्ट जैसे इसमें देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, दो पांच आठ ग्यारह, इसका 21वां पद ज्ञात कीजिए। कौन से नंबर का पद निकालना है हमें, 21वें पद निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ए का मान निकालना है। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म ए का मान क्या है, क्या दो होगा, पहला पद कितना दिया है, दो दिया है। इसके बाद में सर्वांतर डी का मान, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर दो, पांच में से यदि दो को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, टी की वैल्यू तीन आ जाएगा। और एन का मान कितना दिया गया, 21 दिया है, क्योंकि हमें कौन सा पद निकालना है, 21वां पद निकालना है। तो टी एन बराबर फॉर्मूला होता है कोई भी पद निकालने का, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे टी एन, एन ये डिनोटेट करता है कि कौन से नंबर का पद हम निकाल रहे हैं, कौन से टर्म निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी टर्म निकालनी है हमें, 21, ए की वैल्यू पुट करो कितनी है, 2a प्लस एन की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू टी, डी की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद में ए का वैल्यू जैसा का जैसा रखा रहेगा 2 प्लस 21 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 20, 20 इंटू थ्री आ जाएगा 2 प्लस 20 इंटू थ्री 60 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 62, यानी कोई भी पद जब हम निकालेंगे 21वां पद अगर हमने निकाला है तो उसका आंसर कितना आएगा 62 आएगा। यहाँ पर देखेंगे इसको, ये तो पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद में होता है, लेकिन हमें क्या रहता है एनपीपीएटी के पेपर में टाइम भी बचाना रहेगा, तो शॉर्ट में इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, अगर हमें 21वां पद निकालना है, जनरल टर्म में अभी लिखा था मैंने कि पांचवा निकालते हैं तब a प्लस 4d लिखते हैं, ऐसे क्या है अगर 21वां निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस 20 इंटू डी। यहाँ पर अगर 21 है तो यहाँ पर कितना आएगा 20 आता है,
एक कितना लिखा जाता है, कम लिखा जाता है, ए की वैल्यू पुट कर दो 2a प्लस 20 इनटू डी का मान 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, यहाँ पे ये 60 हो जाएगा और 60 प्लस 2 यानी 62 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, इसको हमें जल्दी सॉल्व करना है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपको टाइम भी बचाना है, 200 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग एक मिनट भी नहीं है पूरा, इसलिए क्या है यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी -5 -3 -1 का 19वां पद निकालना है, 19th टर्म निकालनी है, टू फाइंड द 19th टर्म ऑफ एपी -5 -3 -1। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए -5, बी का मान चाहिए, तो -3 में से -5 माइनस करेंगे, इस प्रकार से क्या इनको लिखा जाएगा, माइनस वाले में माइनस को ब्रैकेट में लिख दिया करो, तो -3 + 5 तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचेगा, जो वैल्यू बड़ी होती है उसी का साइन आता है, यहाँ पर +5 बड़ा है इसलिए ए का मान कैसा आ गया, प्लस का आएगा। अब आता है कौन सा पद निकालना है हमें, 19वां, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, 19वें के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस 18 इंटू डी लिखेंगे, ए का मान पुट करो यहाँ पे, वैल्यू रखो -5 है प्लस 18 इंटू डी का मान कितना है 2 है, दोनों वैल्यू पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा, 36 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 31, तो 19वां जो पद मिलेगा हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पर 31 मिल जाएगा, 19वां पद कितना मिलेगा हमें 31 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आया समझ में ये वाला, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी जो पद निकालते हैं शॉर्ट में फॉर्मूला ये वाले लगाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू के इनको क्या है, अगर इन वाले फॉर्मूले को लिखते हैं तो जल्दी से हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है पद निकालने वाले क्वेश्चन थे, और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दिया है हमें इसी प्रकार की क्या है, एक और एपी सीरीज दी है कि समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का n-वां पद ज्ञात करो, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, एपी सीरीज का n-वां पद निकालना है, तो n-वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी पद है तो a और d की वैल्यू लिख लो, पहले सबसे पहले a का मान कितना दिया गया है 5, d का मान 9 - 5 जी हो जाएगा 4, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है ए और डी की वैल्यू, अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, n-वां पद निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n-वे के लिए n वाला पद लिखेंगे, ए का मान रख दो, ए का मान 5 दिया है प्लस n का मान नहीं दिया रहता है इनमें, n के फॉर्म में ही आंसर आएगा इनका, n माइनस वन इंटू डी का मान 4, तो 5 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो 4n माइनस का 4 आ जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस का, तो ये आंसर आ जाएगा 4n + 1, ये आपका कौन सा पद आ गया, इसमें n-वां पद ज्ञात हो जाता है। और एक और चीज, इनको अगर शॉर्ट में अगर आप निकाल सके इनको, तो हमेशा ध्यान में रखना जो n के मल्टीपल में दिया रहता है वो क्या दिया रहेगा, यहाँ पर d का मान दिया रहता है, तो d की वैल्यू ऐसा ऑप्शन देख लेना जिसमें 4 लिखा हो इनटू में 4 इनटू n लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर d का मान हमारा कितना आया है 4 आया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शनों में 4 किसके मल्टीपल में लिखा गया है n के में, वही क्या होता है अपना n-वां पद होता है, अगर दो ऑप्शनों में है तो इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे आप, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, a और d की वैल्यू पुट करने के बाद में एक इक्वेशन बनेगी n के फॉर्म में, क्योंकि n-वां पद निकालना है तो यहाँ पर इसको वैल्यू दोनों ही रखनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी आपको एपी सीरीज में लास्ट टर्म दिया हो, अंतिम पद दिया हो, एल की वैल्यू दिया हो, तब सीरीज में क्या है, हम पद ज्ञात करने के लिए पदों को ज्ञात किया जाता है, एन के मान को ज्ञात किया जाता है कि पद का मान कैसे निकाले, तो अंतिम पद जब भी दिया जाए तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिया रहेगा,
ये वाला क्या है आपका फॉर्मूला है, इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखे पूरे को सॉल्व कर ले तो सॉल्व करने के बाद में फॉर्मूला बनता है एन का एन माइनस ए अंतिम पद में से पहला घटा देते हैं यानी लास्ट टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म माइनस कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस अपॉन में आएगा और लास्ट में वन प्लस कर देते हैं। तो ये क्या है शॉर्ट में फॉर्मूला, इस वाले का यूज किया जा सकता है कोई भी टर्म निकालना हो, कब निकालेंगे जब अंतिम पद आपको दिया रहता है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी का एग्जाम्पल है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 498 होगा, एक सीरीज दी है तो ये पूछा गया है 3 से लेकर 498 तक टोटल कितने पद होंगे इसमें। तो यहाँ पर ए का मान चाहिए हमें 3, एल का मान कितना दिया गया है 498 498 और डी का मान कितना है यहाँ पर 8 - 3 यानी 5, डी का मान 5 आया। ये वैल्यू तीनों आने के बाद में ये वाला फॉर्मूला इसका यूज करेंगे हम, एन बराबर फॉर्मूला होता है एल माइनस ई अपॉन डी प्लस 1, यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। अब यहाँ पर रखेंगे एल का मान कितना है 498 माइनस ए का मान 3 है और डी का मान 5 है प्लस 1, ठीक है सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 498 में से 3 गया तो कितना बचेगा 498 में से 3 गया तो 495 बचा, 495 अपॉन 5 प्लस 1, ये 5 का भाग देंगे इसमें 5 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये 9 बार गया, ठीक है फिर बचा 4, 45 हो गया फिर 9 बार जाएगा तो यानी टोटल एन का मान कैसा आ जाएगा ये 100 आ जाएगा, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या है एक पद आता है कौन सा पद होगा वो 100वां पद होगा, ये 498 है वो कितने नंबर पे मिलेगा हमें 100वें पद पर मिलता है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखें कि कभी भी n का मान आपका माइनस का नहीं आता है, n का मान कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है और ना ही n की वैल्यू जीरो आएगी, n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी ऐसी सीरीज नहीं होती है जिसमें जीरो पद हो और ना ही ये भिन्न में आता है, ठीक है ये वाली वैल्यू इनकी नहीं आ सकती, ना ही ये भिन्न में आता है, ये अपॉन बी की फॉर्म में भी नहीं आएगा कि 2/3 हो या 3/2 हो, इस प्रकार से माइनस का भी नहीं आएगा और जीरो नहीं आता है और इसमें भिन्न में भी नहीं आता है क्योंकि जब हम पदों को गिनते हैं तो पदों की काउंटिंग जो है प्राकृतिक संख्याओं के द्वारा होती है जिनकी शुरुआत क्या है 1 से की जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम काउंट करते हैं तो एन क्या है प्राकृतिक संख्याओं का यूज किया जाता है, ऐसे ही सीरीज में क्या है हमें पद गिनने हैं तो पद गिनने के लिए 1, 2, 3 इस प्रकार से क्या है इनका यूज करते हैं, इसलिए एन का मान कभी भी माइनस का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 25, 30, 35 का अंतिम पद 95, लास्ट टर्म कितना दिया गया है 95 दिया गया है और लास्ट में अगर जो भी पद लिखा जाता है वो अंतिम पद ही होता है, तब पदों की संख्या निकालनी है। तो इफ लास्ट टर्म ऑफ ए पी इज 95 देन ए पी सीरीज दिया आपको 25 30 और 35 का फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 95 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पहला पद कितना दिया गया है 25 25 दिया है और डी का मान 20 - 25 तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सभी वैल्यू लिखने के बाद में यहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जनरली भी कर सकते हैं इनको क्वेश्चनों को आप, लास्ट पद में से पहला घटाओ तो 95 में से 25 गया 70 बचा, 70 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 14 बार और 1 प्लस कर देंगे, लास्ट में क्या है 1 प्लस करना पड़ता है इसमें ये वाला, तो यहाँ पर इसको जनरली भी कर सकते हैं 95 - 25/5 25/5 + 1 तो ये आ जाएगा 70/5 + 1, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 14 बार और 14 + 1 कितने हो जाएंगे इसमें 15, तो आपका आंसर जो होगा पदों की संख्या कितनी आ जाएगी इस वाले क्वेश्चन में 15 आ जाएगी, यानी 25 से लेकर के 95 तक टोटल कितने पद आएंगे इसमें 15 पद आएंगे, तो पदों की संख्या निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन ये दिया है, किसी समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी गई है आपको ये वाली
समान एक ही सीरीज दी है, 5, 8, 11 टेस्ट कहां तक दिए, 320 अंतिम पद लिखा है लास्ट में, और तो पदों की संख्या निकालनी है, हाउ मेनी टर्म्स सम विल बी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी सीरीज 5, 8, 11 कहां तक दिए, 320 तक। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे, पहला क्या है, ई का मान कितना दिया है, 5 दिया है, डी का मान कितना दिया है, 8 - 5 यानी 3 है, ठीक है, ए और डी आ गया। अब आपका अंतिम पद दिया है 320 आ गया, तो अंतिम पद जब 30 आ गया, यहाँ पर 320 लिखेंगे, ये आपको फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर n बराबर पदों की संख्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ फाइंड करेंगे टर्म, तो L - A/D + 1, L की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, L की वैल्यू है यहाँ पर 320 - 5, D का मान कितना रखेंगे, 3 + A, तो ये बचेगा आपका 315 बचेगा यहाँ पर, 315 में जब 3 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या है, जल्दी में ये 15 मत लिख देना कि 3 + 3 = 15, यहाँ पर क्या है 0 भी आएगा, जैसे एक बार गया फिर यहाँ पर भर लेंगे तो 0 आ जाएगा इसका, और 3 का 5 बार, तो ये कितना आया 105 में 1 प्लस कर देंगे तो कितने आएंगे पर 106 आएंगे, तो ये इतने क्या है इसमें टर्म होंगे, 320 तक 5 से लेकर के 320 तक टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 106 होगी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन, अगला आपको कंडीशन दी जाएगी इसमें कि कोई भी ईपी सीरीज दी गई है तब उसमें कोई भी अंतिम से पद निकालना हो आपको, लास्ट से अंतिम से क्या है पद निकालने के लिए आ जाए, तब इसका पद कैसे निकालते हैं, तो समांतर श्रेणी में अंत से एनवा पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया रहेगा, इसमें एक फॉर्मूला होता है Tn बराबर n - 1 × d, L इसलिए दिया जाता है क्योंकि अंतिम से निकालना है आपको, लास्ट से निकालना है इसलिए L दिया जाएगा, तो Tn बराबर l - n - 1 × d रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं इसी के बेस पर एक, तो हमें क्या है L की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया है एक समांतर श्रेणी दी गई है 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, तो श्रेणी में अंत से 10वां पद निकालना है, श्रेणी में अंत से कौन सा पद निकालना है 10वां, टू फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी सीरीज दी है 8, 15, 22 और कहां तक दी है 218 तक, यहाँ पे ये है 218 लास्ट टर्म नहीं लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे पहला पद कितना दिया है, ए का मान, ए की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें, L का मान चाहिए, अंतिम पद कितना है 218, D का मान निकालेंगे, D का मान कैसे निकालेंगे 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब हमें अंत से पद निकालना है, कौन से नंबर का पद निकालना है, हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वें पद को निकालेंगे Tn बराबर L - n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, L की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप 10 बराबर L का मान कितना है इधर L की वैल्यू है 218 माइनस n माइनस 1 n का मान 10 है माइनस 1 d का मान 7 तो यहाँ पे लिखेंगे 218 माइनस कितना बचेगा यहाँ पे 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 63 आ जाएगा 63 को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा जी 155 बचेगा तो ये क्या है कोई भी पद निकालना हो अंत से तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं Tn बराबर L - n - 1 × d क्योंकि आपको सीरीज में अंत से लौटना है पीछे के लिए तो क्या करते थे माइनस करते हैं जब शुरुआत से निकाल रहे थे तो a प्लस लिखा था क्योंकि वहां पर आगे के लिए बढ़ रहे थे इसलिए क्या है प्लस लिखा जाता है और इसमें कैसे लिखा जाता है माइनस लिखा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें एग्जाम्पल दिया है आपको समांतर श्रेणी दी गई है 6, 10, 14 डैश का 82 एक श्रेणी है एपी सीरीज दी है तो अंत से 12वां पद निकालना है लास्ट से हमें कौन सा टर्म निकालना है 12th टर्म निकालना है क्योंकि एपी सीरीज आपको 6, 10, 14 दी गई है कहां तक है 82 तक तो अंतिम पद कितना है आपका 82 है डी का मान कितना है 10 - 6 यानी 4 होगा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो 12वां पद निकालना है तो आप 12वें पद के लिए क्या लिखेंगे Tn बराबर L - n - 1 × d
इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो एन का मान 12 दिया है, 12 दिया है, यहाँ पर एन का मान रखेंगे 82 माइनस एन का मान कितना है यहाँ पर 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 4, तो ये आ जाएगा 82 माइनस 11 बचा, 11 का 4 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 आएगा, तो यहाँ पर 82 में से 44 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 38 बचेगा, तो 12वां पद जो है अंत से कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। इसी को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट लिखना हो हमें कौन सा पद निकालना है 12वां, तो 12वें पद के लिए हम क्या लिखेंगे एल माइनस 11 इंटू डी, ये वाला क्या है इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं, डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करनी है आपको, एल कितना है 82 है माइनस 11 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 82 माइनस 44, तो भी कितना आएगा 38, यानी इसमें क्या है थोड़ी सी लाइनों को बचाया जा सकता है, टाइम को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें अगला, अब आती है बात कि कुछ क्वेश्चन इनसे भी डिफरेंट आते हैं, तीनों ये फॉर्मूले होने के बाद में अब आपका पहला जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फॉर्मूला जो एन टर्म फाइंड करने के लिए था ये वाला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला दिया होता है, तब इन्हीं के बेस क्या है कुछ क्वेश्चन और भी वैरायटी में पूछे जाते हैं, तो इनको क्या है जैसे अगर हमें 15वां पद दिया है तो 15वें के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे ए प्लस 14 इंटू डी लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अगर हमें दिया हो यहाँ पे 10वां पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे ए प्लस 9 इंटू डी, ये क्या है इस तरीके से हमें क्या है इक्वेशन बना सकते हैं इनके बेसिस पर, तो इन्हीं से रिलेटेड क्या है ये वाले आपने जनरल टर्म्स में लिखे थे, सामान्य पद वाले जो लिखे थे अभी सामान्य पद एटी के उनमें ये वाली टर्म लिखे गए थे, इनको शॉर्ट में फॉर्मूले लिखते हैं। तो हमें दिया गया है यहाँ पर किसी एपी का 7वां पद, 7th टर्म ऑफ एपी इज 34, 7वां पद 34 है तब सर्वांतर 5 हो तो प्रथम पद ज्ञात करो, श्रेणी का क्या है पहला पद निकालना है, तो 7वां पद यहाँ पे T7 लिख देंगे, 7वें के लिए T7 लिखेंगे, ये कितना आएगा 34 आ जाएगा, 7वां पद 34 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 7वें के लिए फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस 6 इंटू डी, और इसके अलावा भी हमें डी का मान दिया गया है, डी का मान 5 है और ए का मान हमें निकालना है, ए की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दो, T7 का मान कितना है 34, इसके प्लेस पे 34 लिखेंगे, 34 लिखा, ए का मान कितना है निकालना है, ए का मान नहीं दिए गए, 6 इंटू डी का मान दिया है लेकिन 5, तो एक वैल्यू कोई भी गिवन होती है या तो ए का मान दिया हुआ है या फिर डी का मान दिया हुआ है इन क्वेश्चनों में, तो 34 बराबर ए प्लस 30, तो ये आ जाएगा इधर माइनस कर देंगे 34 माइनस 30 बराबर ए, तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 4, इस तरीके से हम क्या है ए का मान इन क्वेश्चनों में निकाल सकते हैं। इसमें क्या है आपको एक क्वेश्चन किया था अभी आपने उसमें ए का मान निकाला था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी एपी का 11वां पद यदि 25 है और प्रथम पद दिया है, 11वां पद 25 है और प्रथम पद कितना है 5 है, तो श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, अब इसमें क्या है हमें सर्वांतर निकालना है डी का मान, इफ 11th टर्म ऑफ एपी इज 25, 11th टर्म कितनी दी है 25 एंड फर्स्ट टर्म इज 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, तब हमें क्या है इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है डी का मान, तो क्या करते हैं जो भी पद दिया जाता है उसके वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे 11वां पद कितना है अपना 25 है, तो इसके लिए 11वें पद के लिए इक्वेशन क्या होगी a प्लस 10 इंटू डी होता है, यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देते हैं और हमें एक और वैल्यू दिया गया है a का मान, a की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 लिखेंगे इस वैल्यू इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे वैल्यू, 11वें पद का मान कितना दिया है 25, तो इसकी जगह पर 25 लिखेंगे, a का मान दिया गया है हमें 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे प्लस 10 इंटू डी, 5 को जब इधर लाएंगे तो कैसा आ जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 5 बराबर 10 इंटू डी, 25 में से 5 गया तो कितना बचा ये 20 बचा, 20 इज इक्वल टू 10 इंटू डी, ये 10 क्या है इधर डिवाइड में जाएंगे तो 10 से यहाँ से डायरेक्ट क्या है कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए डी का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो इस सीरीज में आपको सर्वांतर कितना मिलेगा 2 मिलेगा, डी का मान पूछा जा रहा है तो डी का मान 2 आ जाएगा, तो यहाँ तक तो बात आती है कि ए का मान अगर दिया हो तो डी का निकाल लें और डी का मान दिया हो तब ए का मान निकाल सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे उनमें क्या दिया होगा आपको दो पदों के मान दिए होंगे तब ए या डी का मान
पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसमें दिया है किसी एपी का किसी समांतर श्रेणी में छठवां पद 25 है और बारवां पद 49 हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकालना है। इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 25 एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एपी इज 49। ट्वेल्थ टर्म दिया गया है यहाँ पर आपको 49, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सीरीज का हमें क्या है, पहला पद इसमें ज्ञात करना है। सीरीज का पहला पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है आपको उनकी इक्वेशन बना लो। छठवां पद जो दिया है आपको यहाँ पर छठवे के लिए क्या लिखेंगे, टी सिक्स बराबर कितनी वैल्यू दी गई है इसकी 25। तो पहले के यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 5 इंटू टी बराबर 25। तो ये क्या है, पहला इक्वेशन बन जाएगी इसकी। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, 12 टर्म दिया है, बारहवां पद कितना दिया है आपको 49 दिया है। तो यहाँ पे बारहवें के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 11 इंटू डी बराबर 49। ये क्या है, आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने दो इक्वेशन ऐसी बनने के बाद में ग्लोबल विधि पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड, उसके द्वारा क्या है दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। जिसमें से बड़ी वैल्यू दी हो उसको ऊपर लिख लिया जाता है, ए प्लस 11 इंटू डी बराबर 49, 49 ए प्लस 5d बराबर 25। ये आपको दोनों इक्वेशन दी गई, इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस किया जाता है, घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर घटाने पर लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। इसे यहाँ पर 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6d बचेगा, और यहाँ पे 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 24। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 4 आ जाएगी। d का मान जब 4 आ गया तो अब हमें e का मान निकाल सकते हैं। जैसे x y की फॉर्म में दिए रहते टेंथ में, ऐसे क्या है ये वाले आपको दिए रहे हैं यहाँ पे, ए और डी की फॉर्म में दिए हैं। तो यहाँ पर डी का मान किसी भी समीकरण में रख देना, डी का मान मैं यहाँ पर पहले वाले समीकरण में रख देता हूँ, फर्स्ट वाले में रखते हैं यहाँ पर। तो ए प्लस 5 इंटू डी का मान 4 है बराबर 25, यहाँ पे ए प्लस 20 इंटू 20 बराबर 25। तो 20 को जब उधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस 20, 25 माइनस बी ए का मान कितना मिला हमें, 5 मिला। तो ये क्या आ जाएगा, प्रथम पद हमें ज्ञात करना था, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात किया जा सकता है। अगर टी का मान पूछा जाता, सर्वांतर पूछा जाता तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, और अगर ए का मान पूछा है प्रथम पद पूछा है तो यहाँ तक सॉल्व करेंगे। इसके बाद में इस क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, वो कोई अन्य पद भी पूछा जा सकता है। तो अन्य पद क्या है हमें बिना कहे इसमें पहचानना पड़ेगा कि ए और डी का मान वैल्यू यहाँ पर निकालनी पड़ती है, और कोई भी अन्य पद निकालना हो तो ए और डी के मान की इसमें जरूरत पड़ती है। जैसा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाई देगा, इसमें दिया है क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी सीरीज का सातवां पद, सातवां तथा तेरहवां पद दोनों पद दिए गए, सातवां और तेरहवां पद क्रमशः दिए 34 और 64 है, तो श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए, 16th टर्म निकालनी है। 7th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ एपी सीरीज आर रेस्पेक्टिवली 34 एंड 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16th टर्म। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। सातवें पद के लिए इक्वेशन क्या रहेगी, 34 होगी, ए प्लस 6 इंटू डी बराबर 34, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन 13th टर्म दिया आपको 64, तो ये वाली इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर 13th टर्म के लिए, ए प्लस 12d 12d बराबर 64, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को जब सॉल्व करेंगे इसमें तो यहाँ पर पहले लिखेंगे ए प्लस 12 इंटू डी बराबर 64, और दूसरी इक्वेशन को लिख लेंगे ए प्लस 6 इंटू डी बराबर 34। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, माइनस जब करते हैं तो दोनों के इनके साइन सभी के क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, प्लस का होगा उस माइनस का कर देते हैं, ए से कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 6d, और यहाँ पे 64 में से 34 गया तो ये बचेगा 30। अब d के वैल्यू निकालने के लिए 6 का इधर डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसलिए d की वैल्यू कितनी आएगी 5। d आने के बाद में अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो d का मान क्या है, कोई भी समीकरण में रख देंगे, d का मान समीकरण
एक में रखने पर पहले वाले समीकरण में क्या है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो d का मान इसमें रखने पर देखेंगे a प्लस 6 इंटू d का मान 5 बराबर 34, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 30 बराबर 34। तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 30 बराबर 34, तो a बराबर कितना आ जाएगा 34 में से 30 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा a का मान 4 आ जाएगा। दोनों वैल्यू आने के बाद में हमें यहाँ पर क्या है, कोई भी पद जब भी निकालने के लिए आए तो दोनों की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, d के मान की भी और a की वैल्यू की, क्योंकि कौन सा पद निकालना है हमें, 16वां पद निकालना है। तो 16वें के लिए यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला t16 बराबर a प्लस 15 इंटू d, a प्लस 15 इंटू d लिखेंगे। 16वें के लिए पद कितना लिखा जाता है, यहाँ पर 15 लिखा जाता है। a का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, a की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, और d का मान कितना आया था निकालिए, 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 प्लस 15 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 4 प्लस ये 75 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 79, 79 आ जाएगा 16वां पद। इस श्रेणी का 16वां पद कौन सा होगा, 79 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, किसी एपी का 11वां पद 25 और 31वां पद 65 हो तो श्रेणी का n-वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें भी क्या है, आपको a और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी आप n-वां पद निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर देखें तो n-वें पद के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n-वें पद के लिए a और d की मान की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सेम उसी की तरह ये वाली भी इक्वेशन बन जाएगी। 11 वाला पद दिया है आपको 25, 11वां पद 25 है और 31वां पद 65, ये दिए गए हैं दोनों मान। तो यहाँ पे लिखेंगे 11वें के लिए लिखते हैं a प्लस 10 इंटू d बराबर 25, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी a प्लस 30 इंटू d बराबर 65, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों को पहले ऊपर वाले जो लिख लेते हैं a प्लस 30 इंटू d बराबर 65 और a प्लस 10 इंटू d बराबर 25, ये दोनों इक्वेशन लिख लिए हमने। यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा और 30 में से 10 गया तो 20 इंटू d, 20 d बचेगा और ये कितना बचेगा, 65 में से 25 गया तो 40, d का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 20 से क्या है, कैंसिल हो जाएगा, 2 रह, दो बार कैंसिल होगा। d का मान आप समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखेंगे तो 10 इंटू 2 बराबर 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 30, ये वाले 20 से कर ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो a का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a की वैल्यू 5 आने के बाद में a और d दोनों की वैल्यू आ गई। अब हम इस इक्वेशन में क्या है, इनको पुट कर सकते हैं, इसमें n-वां पद निकालना है तो a और d का मान यहाँ पर रख देंगे, तो a का मान कितना आया अपना, 5 आया है, प्लस n का मान वही रहेगा n माइनस 1 इंटू d का मान 2। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 5 प्लस n 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2n माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो 2n प्लस 3 भी लिखा हो सकता है या 3 प्लस 2n भी लिखा हो सकता है। तो ये सीरीज का कौन सा पद आ गया, n-वां पद इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप अभी आपने देखे पद निकालने वाले क्वेश्चंस थे, इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको योगफल वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसके सॉल्व कराए जाएंगे और पूरी एपी का नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा।